ॐ नमः सदेभ्यः ॐ नमः सदेभ्यः ॐ नमः सदेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व श्रीमत्परम गंभीर शाद्वादामोघलांचनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनम् जिनशासनम् णमयूर्णजिणम् वीरम् अनन्तवर्णाणदं सणसहावम् ओच्छामीणियमसारम् सुद केवलिदम नियम सार ग्रंथाधिराज निज भावना के प्रयोजन से कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुनकुन देव के द्वारा लिखा गया भावना प्रधान ग्रंथ है। अंतिम गाथा में 187 नंबर की गाथा में पद्म प्रमलधारी देव इसके टीकाकार हैं। समय सार प्रवचन सार और 50 टीका है। पांच परमागमों के नाम तो सबको अपने को पता है ही, समय सार प्रवचन सार नियम सार 50 टीका है और अष्टावक्र। समय सार प्रवचन सार और 50 टीका इन तीन के ऊपर, तीन परमागमों के ऊपर आचार्य अमृतचंद्र देव ने आत्मख्याति तत्व प्रदीपिका और समय व्याख्या ऋषिकांत जी याद रहेंगे इसी क्रम में जिस क्रम में अपने बोला अभी। समय सार की टीका आत्मख्याति, प्रवचन सार जी की टीका तत्व प्रदीपिका और 50 की टीका समय व्याख्या। अमृत चंद्राचार्य देव ने तीन परमागमों की ही टीका लिखी है। नियम सार के ऊपर और अष्ट पावड़ के ऊपर उन्होंने कोई क्रम चलाया ही नहीं। कैसा आश्चर्य लगता है ना। लेकिन दो आचार्य हुए जिन्होंने इन दोनों ग्रंथों के ऊपर कलम चलाए। पद्म प्रमलधारी देव एकमात्र उनकी टीका है नियम सार ग्रंथ के ऊपर। इसका नाम उन्होंने रखा तात्पर्य ग्रंथ। और अष्टपाहुड़ के ऊपर एक ही टीका उपलब्ध है, मूल संस्कृत की जो आर्ष टीका कहलाती है शुद्ध सागर सूरी, जबकि वो शक प्राभृत के नाम से है, बहुत प्रसिद्ध है। ओरिजिनल संस्कृत टीका बहुत सुंदर है, गहरी टीका है। समय सार प्रवचन सार और 50 टीका है। इन तीनों को अध्यात्म साहित्य में प्राभृत त्रयी के नाम से जाना जाता है। जैसे संस्कृत साहित्य में होते हैं नाटक त्रयी, ऐसे ये प्राभृत त्रयी। प्राभृत का अर्थ होता है भेंट। प्राभृत का अर्थ क्या होता है? समय सार का मूल नाम क्या है? प्रवचन सार का मूल नाम क्या है? नियम सार का भी मूल नाम क्या है? उदाहरण के रूप में मैं कह रहा हूं, केवल उदाहरण के रूप में, जैसे शांतिनाथ नाम है बराबर,
एलसी में, डॉक्यूमेंट्स में, सब जगह शांतिनाथ के ही नाम से वो जाने जाते हैं। लेकिन माँ कभी उसे शांतिनाथ के नाम से बोलेगी ही नहीं, माँ शांति, जैसे अपने शांति जी भाई साहब को, छोटे दादा भाई साहब शांति। बात समझ में आ रही है? मतलब एक मुख सुख के लिए, बराबर, एक एक प्यार कहें, वात्सल्य कहें, स्नेह कहें, तो प्राभृत शब्द का अर्थ जो है वो धौला जी, जय धौला जी आदि ने इतना बढ़िया किया है कि तीर्थंकर और गणधर होने, केवली शुद्ध केवली होने, उनके द्वारा केवली भी, शुद्ध केवली भी, यत आवृतम तत् प्रावृतम, केवलियों के द्वारा, शुद्ध केवलियों के द्वारा जो भरा गया है, ला करके समेट लिया गया है, उसको कहते हैं प्रावृत। प्र मतलब उत्कृष्ट, आवृत, आवृत। आदिनाथ भगवान का प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, उनका एक और नाम है ऋषभदेव। ये ऋषभ क्या होता है निशिकांत? बैल बैल से मतलब नहीं, अभी ऋषभ जो है ना शब्द, वो अपने आप में बहुत गहरा शब्द है। ऋष धातु है संस्कृत में, वो इंद्रियों के अर्थ में भी प्रचलित हैं, ऋतुओं के अर्थ में भी प्रचलित हैं, हरियाली जैसे अपन कहते हैं ना वसंत, ऋतु चक्र के लिए भी प्रसिद्ध है, गति गति के अर्थ में भी रुष्यति गच्छति थी। भ जो है ना भ, वो भ धातु जो है भरण पोषण के अर्थ में, मुझे जहाँ तक याद है शायद महाराष्ट्र में, संजय जी आपको ख्याल होगा, ऐसे किसी स्त्री के जीवन में वैधव्य आता है तो जब कभी उनका नाम लिखना होता है ना, स्त्री का नाम लिखना होता है, तो जहाँ तक मुझे ख्याल है वो तो नाम लिखने से पहले वो जो भ भ शब्द का भी प्रयोग करते हैं, है ना, ये एक संस्कृति है। मतलब भरतार, भरण पोषण करने के अर्थ में भरतार शब्द का प्रयोग होता है। तो जे धर्म के भरण पोषक हैं वे ऋषभ कहलाते हैं। क्या कहा? धर्म के, धर्म संस्कारों के जो भरण पोषक हैं, भरते हैं। देखो, भरे हुए गागर को, भरी हुई मटकी को, भरे हुए गगरी को खाली करना और खाली गगरी को भरना, इन दोनों में कितना फर्क है। लोक में तो ऐसा भी गृहित मिथ्यांत चलता है, आप सभी शायद जानते हो, हमने बचपन में वो देखी है, आप लोगों को हंसी आएगी। जैसे कोई कन्या देखने के लिए जा रहे हो ना आकाश जी, और सामने से यदि घड़ा भर कर करके कुएं से बहने आती होवे ना, तो बिस माता पिता तो समझ जाते आप तो रिश्ता घड़ों से क्या लेने देना। बात समझ में आ रही है? शगुन अब शगुन न जाने दुनिया भर की सारी मान्यताएं हैं। अच्छा, आप लोग घर में झाड़ू कैसे रखते हैं? उल्टी रखते हैं, सीधी रखते हैं, कैसे रखते हैं? हमारी माँ तो बोलती है झाड़ू को कभी भी उल्टा नहीं रखना, लक्ष्मी चली जाती है। मेरा अंतर्मन कहता है लक्ष्मी भले चली जाए, सरस्वती आती है। सरस्वती है ना हमारे पास, लक्ष्मी जी झाड़ू से और लक्ष्मी जी क्या लेना देना। लेकिन देव मूर्ता, तीन का नाम बताइए, स्वाध्याय होंगे तो ही बोलेंगे आप, तब आपको पता चलेगा स्वाध्याय का क्या नाम होता है। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता तो अलौकिक है बिल्कुल दुनिया भर का। हाँ बेटा, तुम रिजल्ट लेने जा रहे हो बराबर, और बिल्ली रास्ता काट जाए, मम्मा देखना ये बिल्ली अभी बीच रास्ते, बिल्ली तुम्हारे रास्ते में नहीं आई है, उसके रास्ते में अपन आए हैं। मतलब क्या मान्यताएं हैं, ये अभ्यास के अभाव से। गंभीरता से सुनना आप, वीतराग धर्म का भरण पोषण करने वाले वे ऋषभ कहलाते हैं, वृषभ कहलाते हैं।
यहाँ केवली शुद्ध केवलियों के द्वारा भणिदम कहा गया, समझाया गया ऐसा जो नियम सार ग्रंथ। इस शास्त्र के लिए पद्म ब्रह्मलधारी देव टीकाओं की तो मैंने बात पूरी की आपको, पांचों परमागमों के, इस एक ही टीका के अंत में 187 अंतिम गाथा में पद्म ब्रह्मलधारी देव लिखते हैं, यह शास्त्र मतलब भागवत शास्त्र। क्या कहा? हमारे सारे बहुत सारे मित्र लोग अथवा आप लोग भी जो भी जयपुर जाते हों अथवा अन्यत्र शिविर वगैरह में जाते हों, देवलाली तो प्राय आप लोग जाया ही करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि गुरुदेव जी कहते हैं कि भाई समय सार तो भागवत शास्त्र है ना, हजारों बार सुना होगा। लेकिन भागवत शास्त्र नियम सार के लिए कहा गया है, आचार्यों ने कहा, पद्म ब्रह्मलधारी देव ने कहा है कि ये भागवत शास्त्र है। भग मतलब होती है लक्ष्मी और वतु प्रत्यय आता है संस्कृत में, वान प्रत्यय बनता है भगवान, ये मेल में पुल्लिंग शब्द है भगवान, और स्त्रीलिंग शब्द है, फीमेल वाला शब्द कौन सा बनता है? बहुत बढ़िया, भगवती। भगवती स्त्री वाचक श्रीलिंगी शब्द है। लक्ष्मीवंत जो हैं, जैसे श्रीमान श्रीमती, श्री जैसे दो शब्दों का प्रयोग आता है, श्री मतलब लक्ष्मी, तो जो लक्ष्मीवंत पुरुष है वो श्रीमान, लक्ष्मीवंत जो स्त्री है वो श्रीमती। तो ये भागवत शास्त्र है, मतलब भगवत पद को देने के लिए समर्थ शास्त्र है। समझ में आ रही है? सुणे तने रस निबंध शिथिल थाय, मुझे राजकोट जाने के बाद पता चला कि ये स्तुति गुजराती में है। हम लोग गाते ही थे सालों, लेकिन पता ही नहीं था कि गुजराती में। सुणे तने रस निबंध शिथिल थाय, देखिए तुझे सुनते ही सारा जो रस होता है, सुने तने रस निबंध, अनादिकाल से जो भव संतति सन्निबद्धम, कहाँ लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है? सुना है कहीं ना कहीं? थोड़ा लय ताल में याद करो, अपने आप याद आ जाएगा। पापात क्षणात क्षय उपैति, अब उसे याद आ गया, अब बैटरी चार्ज हो गई। हाँ, तो भव संतति सन्निबद्धम, ये क्या है? ये भव संतति सन्निबद्धम, गुलाब चंद जी, हाँ, त्वत् संस्थवेन, ये जो श्लोक है ना भक्तावर सूत्र का, तो अनादि से सन्निबद्ध अच्छी तरह से जो गाढ़ प्रगाढ़ जो भव भव की बेड़ियां ऐसी बंधी हुई है, वो निशिकांत जी मोह टूटने का नाम ही नहीं लेता। आमच्या घरामध्ये तरी असंच चालते होगा, आमची तरी ही परंपरा है। जाओ टोडरमल जी के पास, कुल परंपरा से धर्म धार व्यवहार हासिल, कितना लंबा लंबी डिग्री दे दी उन्होंने। ये डॉक्टर लोग जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, FIRC MBBS MD और फलाना ढिकना, तो मैं जब वहाँ राजकोट में, हमारे डॉक्टर ही डॉक्टर लोग बहुत लोग हैं संजय जी, तो देखता हूँ तो यार अपने को लगता है यार अपने नाम के पीछे भी कुछ डिग्री होनी चाहिए। तो कभी कभी लगता है अपने नाम के पीछे ऐसे ही अंट संट लिख डालो A to Z, क्योंकि A to Z 26 अक्षरों में डिग्री बनती है, MBBS की हो MD की हो और जो भी बनती हैं, ENT की हो, बराबर है? हाँ अमोक जी, एक बात मैं बोलूँ आपको, अमोक जी मेरे ख्याल से प्रोफेशनली फार्मेसी है ना, मतलब मेडिकल लाइन के हैं, डॉक्टर ही हैं, समझे ना। मैं आपसे सच बताऊँ, एक वाक्य ने मेरे जीवन को ऐसा मोड़
खड़ा किया मेरे जीवन में, ऐसी दिशा दी, पूरा मेरे पास आर्टिकल है। गुलाबचंद जी मैं आपको गुजराती का भी भेजता हूँ, हिंदी में भी उसका अनुवाद करके भेज, इतना बढ़िया है, हिंदी में है वो टाइटल, विशेषणोति नहीं विशेष क्षणोति जीवो। क्या कहा? विशेषणों से नहीं विशेष क्षणों से जीवो। अब एक बहुत जूनियर 8, 10, 12, 15 साल जूनियर विद्यार्थी का परिश्रम पर्व से पहले ही मतलब ऐसे ही यहाँ के आने के बारे में कि भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, फोन अननोन नंबर था तो मैंने उठाया तो बोले कि कौन बोल रहे हैं, मैंने पूछा तो बोले कि डॉक्टर सौरभ शास्त्री। तो अपन तो फिर वो छोटे भाई जैसे बोलने का, और जैसे अक्षय हैं ऐसे सौरभ इंदौर से। हाँ तो मुझे वो बात समझ आई कि हमें हमारे नाम के आगे पीछे विशेषणों का कितना मोह है। सच बताऊं मैं आपको, एडजेक्टिव के पीछे वर्ब खत्म हो जाता है, विशेषणों के विशेषण जो दिए जाते हैं ना संज्ञा के लिए दिए जाते हैं, नाम सर्वनाम के लिए दिए, वो नाम जो है ना वो संज्ञा ही गायब हो जाती है विशेषणों के पीछे। हमें विशेषणों में नहीं जीना है, हमें तो विशेष क्षणों में जीना है। शुद्धात्मा का श्रद्धान हो, ये हमारे लिए विशेष क्षण है। अपन ने जो भक्ति गाई थी आज, आत्मा से मेरी पहचान, हर्षवर्धन जी भाई सब, हम कौन हैं, कहाँ के हैं, हमें उस गांव देश देशाटन उसे कोई लेना देना नहीं। संजय जी आप क्या लें, हम लोग अपन लोग जब गाते थे इंदौर शिविर में शांतिनाथ भवन में रुके थे, उन दिनों पहली बार हम लोगों ने एक भजन सुना था वहाँ, ऐसे ही दो पंक्ति, कौन देश से आए मोरे हंसा, हंस मतलब आत्मा, कौन देश से आए मोरे हंसा, कौन दिशा में जाए मोरे लाल, लाल लाल पाल बाल, एक इंद्रिय से आए मोरे हंसा, सिद्ध गति को जाए मोरे लाल। संदीप जी हम हिंगोली के, हम औरंगाबाद के, ये तो आसमान जातीय मनुष्य व्यवहार मात्र का परिचय। तो फिर मुझे तो कैसा परिचय देना चाहिए, जन्मभूमि कर्नाटक, लग्न भूमि मराठवाड़ा, सॉरी विदर्भ, लग्न भूमि विदर्भ, कर्म भूमि सौराष्ट्र गुजरात, स्वाध्याय पर्युषण की भूमि मराठवाड़ा औरंगाबाद, अरे इन बातों में क्या रखा हुआ है। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, संदीप कुमार जी, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। संजय जी किसी के भी घर में जाए, शांति जी भाई, शांति कुमार जी बोलते, ये सिंगापुर का कप है, ये कप बसी जो है ये सिंगापुर, अरे भाई साहब आपको भारत की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई, दादा बोलते थे ऐसा। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। हमारे कॉलेज में भी एक ऐसा प्रसंग हुआ, वो हमारे प्रिंसिपल इतनी होश से हर क्लास में जा कर के बोले कि तीनों मॉनिटर खड़े हो जाओ, उनको एक एक चॉकलेट दिया, बोले कि ये हमारी मासी अमेरिका से आई है, ये अमेरिका की चॉकलेट है, हर क्लास में।
तो मैं भी जिस क्लास में पढ़ा रहा था तो उसमें आई दिया, तब तो मैं बिल्कुल वितराग भाव से सुना उनकी दिव्य ध्वनि खिलती हुई सुनी। वो जैसे ही बाहर चली गई मैंने कहा, बेटा आखिर चॉकलेट तो चॉकलेट ही है ना, चाहे वो मतलब सोचो तो सही, हमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का कितना व्यामोह होता है। अरे नहीं, ये पंच परावर्तन के संस्कार हैं संजय जी, सारे पंच परावर्तन के संस्कार हैं, इनमें कोई रखा हुआ नहीं। जैसे लंदन जाते हैं, नैरोबी जाते हैं, आपको समझ लीजिए 100-150-200 लोग, यहाँ तो अपनी समझो भारत भर में तो पूरी की पूरी भीड़, सारी की सारी समाज इकट्ठी होती है। और गुरुदेव श्री कहा करते थे, सत को संख्या की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कहा? सत को संख्या की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान महावीर का जीव श्रोता एक और समझाने वाले वक्ता दो, क्या गजब की बात है, वक्ता दो और श्रोता एक है ना, ऐसी धर्म सभा होती है। और उस धर्म सभा में वो एक जीव भी अपना काम कर जाता है। हमें संख्या की आवश्यकता नहीं है, हमें क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है, हमें तो क्वालिटी की आवश्यकता है। बात समझ में आ रही है? तो बात ऐसी है, मिट्टी का तो सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना। कहने का मतलब ये है, धन संपत्ति बाह्य, अरे ये लक्ष्मी नहीं है, ये भागवत शास्त्र है, ये है अपने लिए संपदा। छोटा सा सवाल, लक्ष्मी के पीछे दौड़ना है या सरस्वती के पीछे दौड़ना है, बोलो। नहा धो करके किसके पीछे पढ़ना चाहिए अपने को? तुम सरस्वती के पीछे पढ़ो, लक्ष्मी तो तुम्हारे पीछे दौड़ गया है। ये है असल में, क्यों 15-15 महीने पहले, 6-6 महीने पहले, 6 महीने पहले, 9 महीने तो बाल तीर्थंकर का जीव माँ के गर्भ में है, 9 महीने में, उससे महीने, उससे पहले 6 महीने, 15 महीने हो गए, तो 6 महीने पहले से ही स्वर्ग के स्वर्गीय पुण्य के परमाणु माँ की कोख, यहाँ तक कि अयोध्या नगर। बात समझ आ रही मेरी? अरे पुण्य ज्ञानी की सेवा करता है, सारा जगत अज्ञानी पुण्य की सेवा करता है। क्या कहा? पुण्य ज्ञानी की सेवा करता है, सारी अज्ञानी दुनिया पुण्य की सेवा में पड़ी हुई है। अभी गाया था अपन ने, कितना बढ़िया, संजय जी ने याद भी दिलाया था, बहु पुण्य संयोग मिला नर्तन, जिन शुद्ध जिन देव चरण दर्शन हो। क्या हो? बंगला, गाड़ी, क्या हो बोलिए टीचर श्री? हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। अरे रविंद्र भाई पंडित जी साहब तो कहते हैं, हे प्रभु हमारी अफल दृष्टि सफल हो, बस फलम निर्वपामिति स्वाहा। क्या कहा? हमारी कैसी दृष्टि है? अफल दृष्टि, हमें फल चाहिए ही नहीं, फल हमें चाहिए ही नहीं, कोई भी फल नहीं चाहिए, हम तो बस अफल दृष्टि वाले हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये भागवत शास्त्र है, मैं आपको भाव ये बताना चाहता हूँ, ये भागवत शास्त्र, जिस भागवत शास्त्र में हम आप लोग 12वां अधिकार शुद्धोप योग का हार्द समझ रहे हैं। 30-40 सेकंड में ही बात करूं, नमो रंतानंद की बात अपन ने की है, सब लिखा हुआ है आपके पास, नमो सिद्धानंद की बात की है, अरहंत भगवंतों की सर्वज्ञता की बात की, अरहंत भगवंतों की वीतरागता की भी बात की, और वो वाला जो विषय आया जिसको जिसके लिए मैंने प्रवचन सार याद किया था,
जबकि समोशरण की रचना, जबकि उनकी दिव्य ध्वनि आदि का योग, ये सब औदय की क्रिया है। याद आ रहा है विषय कल का, औदय की क्रिया है। फिर भी धन्य है सर्वज्ञ भगवान जिनकी पराकाष्ठा वितरागता की ये है, औदय की क्रिया भी उनकी क्षाई की है। ये बात हुई थी कल अपने, मैं केवल एक अनुसंधान के लिए बात कह रहा हूँ। अब अपना जो है ना, आज से बिल्कुल ये 7-8 दिन जितने भी दिन अपने पास हैं, 8-1 दिन के स्वाध्याय, इनमें केवल और केवल सिद्ध भक्ति और निर्वाण भक्ति, याद रखना आप लोग शब्द, मैं रोज 10 बार बोलूंगा ये दोनों शब्द, सिद्ध भक्ति और निर्वाण भक्ति। सिद्ध भक्ति और निर्वाण भक्ति की ही उपासना करेंगे। और अभी इस क्षण तो मेरे पास वो मटेरियल अभी मेरे सामने नहीं है, मेरे पास तो है लेकिन मेरे सामने नहीं है। मैं आपको पूरा का पूरा वो आगम के आलोक में कहना चाहता हूँ। गुलाब चंद जी भाई साहब, ये जो 10 भक्तियाँ होती है ना, कहने के लिए 10 भक्तियाँ हैं, संख्या 10 भक्तियाँ कहने के लिए है, लेकिन है वो 14-14, 15-15, 16-16, और 2 ही 10 भक्तियाँ अपने पास उपलब्ध हैं। एक आचार्य कुंद देव के द्वारा लिखी गई प्राकृत में, और दूसरी आचार्य पूज्यपाद देव के द्वारा लिखी गई संस्कृत में। इरिया भक्ति, तीर्थंकर भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, आचार्य भक्ति, सिद्ध भक्ति, समझ में आ रही है? ये सारी अलग अलग भक्तियां हैं। अलौकिक भक्ति साहित्यों का सूत्रपात इन दोनों आचार्य मुनि भगवंतों ने 1ली शताब्दी में और 6ठी-7वीं शताब्दी में की। उन 10 भक्तियों का एक विधि विधान होता है। जैसे मुनि भगवंत जब केश लोंच करते हैं ना, दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा लेते समय केश लोंच करने से पूर्व, केश लोंच करने से पूर्व आचार्य भक्ति का पाठ, सिद्ध भक्ति का पाठ, निर्वाण भक्ति का पाठ। अरे हम अपने बच्चों को बोलते हैं भोजन करने से पहले पहले 9 बार मनोकार मंत्र का, जैसे अपनी गुरुकुल की क्या गजब की परंपरा है। ये गुरुकुल में बच्चे सब एक साथ लाइन में बैठे हों और सबको पिरसने के बाद मॉनिटर और क्या बोलते हैं सुपरिटेंडेंट जो भी हों वे आदेश देते हैं, चलो अब चालू करो, फिर वो नमोकार मंत्र बोलेंगे, उसके बाद ही भोजन लेंगे। ऐसे ही दैनिक क्रम प्रातः काल भी चालू होगा उनका, बच्चों का भोजन और सायंकाल का भोजन, सायंकाल की निद्रा, रात्रि की निद्रा, सब एक सामायिक नमोकार मंत्र इन विधि विधानों से संपन्न हुआ करती थी हर क्रिया। तब मुझे ये आज की तारीख में समझ में आता है, अरे रे, जब कोई पात्र जीव दीक्षा लेता है, केश लोच करता है, तब भी उसे निर्वाण भक्ति, सिद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति, और एक दो नहीं, इन 10 भक्तियों में तो 5-5, 6-6 तो उनको नियम से बोलने ही होते, उनका पाठ किए बिना वे आगे आहार चर्या आदि के लिए निकल ही नहीं सकते। ये अपना अपना शुद्ध आमनाए है, ये श्रवणचर्या है। निशिकांत जी क्या शब्द बोला मैंने, ये श्रवणचर्या है। श्रावक तो इन चर्या से तो योजनों दूर ही है, क्योंकि कभी शास्त्र हमने खोला ही नहीं, शास्त्र हमने पढ़ा ही नहीं। श्रवण की संस्कृति क्या होती है, श्रावकों को कब पता चले, तब वो अध्ययन तो करें, अभ्यास तो करें। इसलिए ये 10 लक्षण के दिन हैं, एक एक धर्म, एक एक दिन, एक एक पूजाएं, एक एक भक्तियां हम आप लोगों को समग्र श्रवण संस्कृति का चित्र अपने सामने ला खड़ा करते हैं। अभी हमने तो मुनिराज की भक्तियों का तो अभी वो क्या बोलते हैं बैंक खोला ही नहीं है, अब खोलेंगे, खुल जा सिम सिम, फिर पता चलेगा क्या होती है मुनिराज की भक्ति। ऐसे आँख में आंसू आएंगे, रो पड़ेंगे आप, हमने तो हिंगोली में खुद मैं ही रो पड़ा था मुनिराज के आहार दान की विधि के समय पे। संजय जी हाँ आएगा अभी, संयम तप त्याग, औरंगाबाद छोड़ के आपको भी कहीं नहीं जाना, हम भी नहीं जाएंगे, चिंता मत करना। शांति कुमार जी क्या कह रहे हो, मैं ऐसा ये गजब का मार्ग है। मैंने अभी राजकोट के स्वाध्याय में बात कही थी यही बात, यही इसी प्रकरण में।
अरे सिद्ध को सुनते सुनते शुद्ध को कब गुनने लगे पता ही नहीं चला। क्या कहा? सिद्ध को सुनते सुनते शुद्ध को कब गुनने लगे पता ही नहीं चला। सिद्धात्मा है वो, इसलिए तो है शुद्धात्मा है। पहले दिन सुबह मैंने थोड़ा सा इशारा आपको किया था, अरे सिद्धात्मा ये कार्य परमात्मा है। क्या कहा? सिद्धात्मा कार्य परमात्मा दशा है। सिद्धात्मा सिद्ध भगवान जो है द्रव्य है गुण है कि पर्याय है? सिद्ध भगवान क्या है? सिद्ध क्या है? अभी याद भी किया था ना अपन ने, सब आत्मा की अवस्था क्या होती है? पर्याय। उसको और थोड़ी साहित्यिक भाषा में क्या कहेंगे अपन? कार्य समय सार की दशा। क्या कहेंगे? कार्य समय सार, पूर्ण कार्य समय सार। चौथे गुण स्थान से एक देश कार्य समय सार की दशा है, कार्य परमात्मा दशा कहें अपन। कार्य समय सार नियम सार में कार्य समय सार कहा उसके लिए, कार्य समय सार बराबर कार्य परमात्मा। एक होता है कारण परमात्मा, दूसरा होता है कार्य परमात्मा बराबर। जैसे आप सभी भी कोई भी अंगूठी पहने हो, जो भी मालाएं माता बहने पहनी हो, वो सब कार्य परमात्मा है। कारण परमात्मा कौन है? माता बहने आप लोगों से मैं सवाल करूं, किसी सगे संबंधी की शादी में अगर जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं आप लोग? जैसे मंच में सजा करके रखते होंगे, गुजरात में उसको करियावर कहते हैं, रुकवंत। हाँ है वो रुकवंत जो सजे जी, हाँ रुकवंत ठीक है। उसमें गहने रखे होते हैं, आप सच बताओ दृष्टि पर्याय के ऊपर होती है कि द्रव्य के ऊपर होती है? उसमें जो गहने होते हैं सोना कितनी आलम, हाँ मुलगी तरी छान है दिसायला, पण किती घेऊन आली काय, वो परिग्रह को नहीं देखती है और वो सोने की गहनों को नहीं देखती है। सोना कितना आया, वो जो सोना है ना वो द्रव्य है, सुवर्ण वो द्रव्य है, वो कारण परमात्मा है और बाकी का सारा कार्य परमात्मा। देखो व्यवहार भोगने में तो आएगा कार्य परमात्मा, लेकिन व्यवहार में दृष्टि तो कहाँ होगी? तो सिद्धों को नमते नमते, सुनना सिद्धों को नमते नमते शुद्ध में क्यों नहीं नमना? सिद्धों को नमते नमते शुद्ध को क्यों नहीं नमना? ये जो सिद्ध भगवान की जो स्तुति अपन लोग गाते हैं ना, उसमें जो अंतिम कड़ी है संजय जी, अंतिम जो कड़ी है वो यही तो है, चैतन्य राज सुख खान दुख दूर करो मेरे अशरीरी सिद्ध भगवान। हे सिद्ध भगवान भवि जन तुम सम निज रूप, ध्या कर तुम सब आपके जैसे रूप को ध्यान करके अपने आप को ध्याते हैं। वे धन्य हैं वे जीव सिद्धों को देखते देखते शुद्ध को देखने लगते हैं। एक स्तुति आप लोगों ने सुनी होगी पंडित जी रविंद्र भाई पंडित जी की है, जिनवाणी स्तुति, बड़ी अच्छी है, बहुत गहरी है, समझने में छक्के छूट जाए अपने। मां जिनवाणी तेरो वो वाली नहीं, वो वाली नहीं, सारे जग में धन्य है वाली नहीं, मैं जो गा रहा हूं मैं कहना चाहता हूं वो अलग है। उसमें एक अंतरा आती है, वो देखो ध्रुपद आ जाएगा याद सहज। हाँ वो वाली, बस उसी की बात कर रहा हूं मैं, चैतन्य नाथ की बात सुने से उसमें एक पंक्ति आती है, चैतन्य चैतन्य रटते चैतन्य चैतन्य सुनते ध्यान से सुनना, सुनने का भाव विनय होवे माँ जिनवाणी मुझे अंतर में होकर मुझ रूप समा जाओ।
मुझे अंतर में प्रवेश हो और मुझ रूप परिणमित हो। ये बच्चा जब जाता है ना बाजार में, वो माँ के साथ टी शर्ट देखता है, वो इमेजिन करता है ये टी शर्ट में पहनूं तो कैसा लगेगा। वो शोरूम में टिके हुए टी शर्ट को देख करके उसको खुशी नहीं होती, वो अपने ऊपर एप्लीकेशन करता है, उसको अप्लाई करता है। ऐसे सिद्धों को सुनना, सिद्धों को समझना और सीधा कहाँ उतरना, अपने शुद्ध स्वभाव में उतरना। तो सिद्धात्मा तो कार्य परमात्मा है, शुद्धात्मा तो कारण परमात्मा है। सुनना और एक बार, सिद्ध हुए हैं, क्या कहा, सिद्ध तो हुए हैं, शुद्ध तो हूं। हुए हैं वे या है वो, कौन महान है दोनों में? सोना होता है, गहने बनते हैं। पहले दिन अंगूठी बनी, पसंद नहीं आई तो दूसरे दिन कान की बाली बनी, लेकिन सोना तो सोना है, सोना तो सुवर्ण तो है और गहने बनते हैं। बनना एक कार्य परमात्मा है और होना एक कारण परमात्मा है। नाराज नहीं होंगे तो एक सवाल करूं आपसे, सभी से, जैन है या जैन होना है? हम आप सभी, खतरनाक सवाल है, जैन है या जैन होना है? हमें जिस जैन को अभी भी जैन होने की प्रेरणा देनी पड़ती होवे, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? अरे हम तो हैं, बात समझ में आ रही है, हम तो जिनानुयायी हैं, हम तो जैन धर्म के सिद्धों के लघु नंदन हैं, क्योंकि सिद्धों को देखते देखते हम तो शुद्धात्मा में गुड़ होने वाले वो भव्य जीव हैं। इसलिए इसमें जो बात कही थी अपनी कि जो मुक्त जीव हैं, सिद्ध भगवान हैं, उनकी सिद्धों की सिद्ध भक्ति, देखो सिद्ध शब्द का भाव भाषण क्या है, सिद्ध मतलब कार्य सिद्ध हुआ, मतलब होने योग्य पात्रता थी और वो निष्पन्नता हुई ना, निष्पन्न हुआ ना, कार्य सिद्ध हुआ। हम लोग तो व्याकरण में भी पढ़ते थे इति रूपम सिद्धम भवति, अक्षय का है, अक्षय याद आ रहा है कि नहीं, भू धातु से बना हुआ सारा का सारा, जो सात आठ सारे के सारे सूत्र लगते हैं और अंत में क्या आएगा, इति रूपम सिद्धम। हमारे एक मित्र थे हैं अभी भी, उमाकांत जी, वो बहुत जब व्याकरण पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए ना, हमारे साथ ही बैठते थे, बोले कि तुम आगे की पूरी रामायण महाभारत लिखो, हम इतना लिखेंगे इति रूपम सिद्धम, अंत में इति रूपम सिद्धम। वो ऐसे ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग इति तत्वादि मे प्रथमो अध्याय। कुछ समझ में आया? प्रयोग मत करना। औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्त्वमो अधिकपरिणामिको च इति तत्वादि मे मोक्ष शास्त्रे द्वितीयो अध्याय। ऐसे शॉर्ट बट स्वीट का रास्ता नहीं है, हमें धर्म भी करना है तो 2 मिनट में करना है, बुरा मत मानना, हमें धर्म भी समझना है तो 10 दिन में समझना है। ऐसे श्रोताओं को भदैया कहते हैं, क्या कहते हैं हमारे गुजराती में, वहां कहते हैं रातड़िया, भदैया है अपन यदि। अरे ये कोई धर्म का चोला थोड़ी ना है, झंडा ऊंचा रहे हमारा 15 अगस्त और 26 जनवरी, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऐसा थोड़ी ना होता। यारे यारे नौजवान एक है ना गीत भी है उसमें, यारे यारे नौजवान, ये तो यारे यारे नौजवान, ये तो 365 दिन, बात समझ में आ रही है?
तो जैसे सिद्धार्थ, अच्छा सिद्ध कब से हैं? अनादिकाल से हैं। तो शुद्धात्मा कब से हैं? अनादिकाल से हैं। सिद्ध कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। शुद्धात्मा कब तक रहेगा? अनंत काल। जो अनादि अनंत हैं सिद्ध, उनको पूजा पाठ के लिए तो अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन जो शुद्धात्म स्वभाव भाव हैं उस आत्मा की स्तुति अपन नहीं करते हैं, आत्म भावना नहीं भाते हैं। तो सचमुच में हमें अभी सिद्ध भक्ति भी करनी आई ही नहीं। तो सिद्ध भक्ति का फल है शुद्ध भक्ति। क्या कहा? सिद्ध भक्ति का फल है शुद्ध भक्ति। मैं आपको इनके संदर्भ में जो कल बात कही थी ना आपको, मुक्त जीवों के बारे में जो दो गाथा है 176 और 178, उनकी बात आप लोग सुनिएगा और फिर इस विषय को अपन लोग यहीं विराम की तरफ ले चलते हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए, कल जो मैंने कही थी आपको 176 नंबर की गाथा और 177 नंबर की गाथा देखना। आउस खेण गुणोणिन्नासो इसे सपयडीनम पच्छापावै सिद्धम लोयग्रम समयमेतेण। ये मूल गाथा है 176 176 नंबर की। हिंदी की भी इसकी गाथा मैं गाता हूँ, देखिए। हो आयु क्षय से शेष सब ही कर्म प्रकृति विनाश रे सत्वर समय में पहुँचते अरहंत प्रभु लोकाग्र रे। बराबर इसमें कह रहे हैं हो आयु क्षय से शेष सब ही कर्म प्रकृति विनाश, सारे कर्मों का नाश होता है। घातिया तो कब के चले गए, अघातिया भी चली जाती हैं, और तत्काल अरहंत भगवान, बात चल रही है सिद्धों की, तत्काल अरहंत भगवान कहाँ जाकर के विराजमान होते हैं? बोलो, लोकाग्र में जाकर के विराजमान होते हैं। ठीक है, एक प्रश्न ऐसे आपको जिज्ञासा के लिए, सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्धिशिला। श्रीमद जी से एक बार एक साधक ने प्रश्न पूछा कि श्री कृष्ण कहाँ है? नरक में। बराबर, ये हम आप लोगों का जवाब है। श्रीमद जी ने जवाब दिया अपनी आत्मा में है। कुछ समझ में आया? अब बोलो सिद्ध भगवान कहाँ है? तो अभी हमने क्यों बोला था सिद्धिशिला में? यही तो अज्ञान है ऋषिकांत जी, इसलिए तो पाठशाला सीखनी चाहिए। व्यवहार से सिद्धिशिला में है, परमार्थ से तो वे अपने आत्मा में। परक्षेत्र की बात क्यों कर रहे हो? अपने असंख्यात प्रदेशों की बात करो। तो जब वे सिद्ध अपने शुद्धात्मा में है, अब देखो परमार्थ, जब वे शुद्ध सिद्ध अपने शुद्धात्मा में है तो मेरा शुद्धात्मा मुझे शुद्धात्मा में क्यों नहीं है? ये सच्ची सिद्ध भक्ति। सिद्धों का स्वरूप हमने समझा कि सिद्ध शुद्ध में विराजमान हो रहे हैं, सिद्ध शुद्ध में विराजमान हो रहे हैं तो मैं शुद्ध अपने शुद्धात्मा में क्यों विराजमान न हो? ये नियम सार है, ये सिद्ध भक्ति के माध्यम से शुद्ध स्वभाव भाव की हमें ये भक्ति समझाती है। ऐसी गजब की बात। ये तो 176 नंबर की गाथा, ठीक है। आगे 177 नंबर की गाथा। बिन कर्म परम विशुद्ध जन्म जरा मरण से हीन है। कल रात में मैंने कहा था क्या नहीं है और क्या है, अस्थि नास्य अनेकांत। बिन कर्म, सिद्धों में कोई कर्म नहीं। सच बताऊं, जब अपना पुण्य का उदय होता है छाती के ऊपर हाथ रख करके कहो कैसा लगता? शांति कुमार जी, दौड़े दौड़े अपन पूजा में आए, बैठने के लिए पूजा की जगह मिल जाए, पसंदगी की जगह मिल जाए तो कैसा लगता है बताओ? अच्छा, जगह ही नहीं मिले तो कैसा लगता है? अरे बोलो तो सही, जगह मिल जाए तो अच्छा लगता है, जगह नहीं मिलती है तो बुरा लगता है। ये जो अच्छा और बुरा लगता है इसी का नाम है पुण्य और पाप कर्म में अपना। बात समझ में आ रही है?
इतना प्रैक्टिकल है ये, वहां तो कोई कर्म ही नहीं है, क्योंकि वहां धर्म के अलावा कुछ और है ही नहीं। जहां धर्म होता है वहां कर्म नहीं होते, और कर्म होता है वहां धर्म नहीं होते। बिन कर्म परम विशुद्ध जन्म जरा मरण से न जन्म नहीं मरण नहीं जरा वृद्धावस्था नहीं। अरे परम परम विशुद्ध विशुद्ध, शुभ वाला विशुद्ध नहीं, शुद्ध वाला विशुद्ध, ऐसी अनंत गुणों की खान, स्वभाव का सागर, स्वरूप का समंदर जहाँ है, ऐसे शुद्धात्मा में ज्ञानादि चार स्वभाव में क्या कहा? ज्ञानादि चार स्वभाव में मतलब क्या? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ये ज्ञान नहीं, तो कौन सा? निमिनाथ भगवान को जो प्रकट हुए अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर नहीं, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख, सहज वीर, ये नियम सार निशिकांत जी। अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर तो प्रकट होते हैं, सहज ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर तो हैं, बस वही वाली बात है, वो द्रव्य होती है, वो क्रिया है। बात समझ में आ रही है? गहरी बात है, बहुत गंभीर बात है। सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख, और इसको बोलते हैं स्वचतुष्टय। क्या कहते हैं इसको? स्वचतुष्टय, नियम सार का स्वचतुष्टय वाला, ये वो वाला स्वद्रव्य चतुष्टय। कौन सा? स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, और वो अनंत चतुष्टय। कौन से? अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर, एक सहज चतुष्टय, सहज ज्ञान दर्शन सुखवीर। शांति कुमार जी, विश्व याद रखना पड़ेगा जी, याद रखना पड़ेगा, याद रखे बिना तो कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। क्या द्रव्य है, क्या पर्याय है, क्या स्वभाव है, क्या कार्य है, क्या कारण है, क्या पद्धति है, क्या परंपरा है, और क्या प्रयोग है, ये बोलने से नहीं होता। यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु निज गुण का हरि, सारी प्रयोग पद्धति है। तो हे प्रभु आप कैसे हैं? ज्ञानादि चार स्वभाव। कल सुमन जी भाई साहब पंडित जी का मैंने व्याख्यान सुना, दो पर बहुत सुंदर उदाहरण दिया। भाई आपका शुभ नाम क्या है? संजय जी, सचिन जी, समझ लीजिए आप बहुत बड़े इंजीनियर हैं, और आपको अमेरिका शिकागो में कहीं प्लेसमेंट मिल जाए, आजकल तो प्लेसमेंट और पैकेज का तो पागलपन है सब जगह, बराबर। समझ लीजिए आपको, आपके पास 500 करोड़ है, और आपको यदि करोड़ दो करोड़ का यदि पैकेज मिलता है, तो उस पैकेज का प्रेम कितना आपको, क्योंकि आपके पास कितने हैं? बात समझ में आ रही है? तो आपके पास यदि समझो वो 200-500 करोड़ नहीं, चिंतामणि रत्न है आपके पास। अब आप बताओ कौन सा पैकेज लेना पसंद करेंगे? संजय जी आपको याद है एक श्लोक, पता नहीं मेरे पास कहीं मिला नहीं, आपके पास हो तो मुझे देना, एक ऐसा श्लोक हमने पढ़ा था कनिष्ठ वरिष्ठ उपाध्याय में, यदि आपके पास इतना धन वैभव है निशिकांत जी कि साथ साथ पीढ़ी खाए तो भी कम न पड़े, आपको धंधा व्यापार करने की कोई आवश्यकता नहीं, और यदि आपके पास थोड़ी सी पूंजी है, थोड़ी सी अच्छी पूंजी है, तो आप व्यापार कीजिए, और आजीविका यदि चलानी है तो शुद्ध आजीविका के लिए आप नौकरी कीजिए। ऐसे चार बातें हैं, अनुष्टुप छंद है, चार बातें वो अर्थ व्यवहार के बारे में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यदि अपने पास सात पीढ़ी खाएं तब भी खूंटे ने कम न हो इतना होवे, तो हाय हाय करने की हमें क्या आवश्यकता है। सर सेठ हुकुमचंद जी, कौन? हर्षवर्धन जी भाई साहब, सर सेठ हुकुमचंद जी साहब, उस समय इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को वे पैसा देते थे, कपड़े के इतने बड़े व्यापारी। अंग्रेज लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, अंगूठा छाप धर्म पत्नी, ऑलरेडी 6-6 फैक्ट्रियां और 7वें मिल की तैयारी, सब वो मीटिंग पूरी हो गई, वो लोग चले गए
पत्नी ने कहा, अजी सुनते हो, नरक शांत ही होते हैं। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ये उस इंदौर के सर सेठ हुकुमचंद जी के लिए नहीं, ये औरंगाबाद के हर सर सेठ हुकुमचंद जी को समझने जैसा है। सचिन जी बात समझ में आ रही है? अरे सात पीढ़ी खाए तो भी, और एक 5-50 हजार की नौकरी में भी बिल्कुल दिल खुश गार्डन, आनंद 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 में है। बात समझ में आ रही है? अरे हमें जरूरत ही नहीं है, हमारी इच्छा ही नहीं है, हमारी आवश्यकता ही नहीं है, हमें चाहिए नहीं। हम तो परिग्रह को दूर से ही लात मारने वालों में से हैं। बहुत बहुत गजब की बातें हैं। अरे ऐसा शुद्ध स्वभाव भाव जिसके पास चैतन्य रत्न हो, मैं ये कह रहा हूं आपको, जिसके पास वो चिंतामणि रत्न से तो चिंता तो करनी पड़ती है। चिंतत चिंता रेन, यहाँ चैतन्य चिंतामणि तो ऐसा है जिसके पास न चिंता करने की अपेक्षा और न ये ऐसा कल्प वृक्ष है जिसके पास कल्पना करने की अपेक्षा, न ये ऐसा काम धेनु जिसे दोहने की अपेक्षा। तीन बातें कही मैंने, ये ऐसा काम धेनु है, ऐसा चिंतामणि है, ऐसा कल्प वृक्ष है, कहीं मांगने दोहने लेने देने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अचिंत्य शक्ति, बच्चे आप लोग नंबर लिख के रखना, बड़े लोग भी आप लोग, 144, 144 कानून की भाषा में होता है ना, क्या बोलते हैं, धारा, धारा बोलते हैं संदीप जी, क्या बोलते हैं, 144 की धारा। अमृत चंद्राचार्य देव ने भी आत्मख्याति में 144 की धारा लगाई है। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात्र चिंता सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। कंठस्थ कीजिए आप, इनको आत्मस्थ कीजिए। अरे चैतन्य चिंतामणि शुद्धात्म स्वभाव भाव जब मेरे पास है, मैं उसकी दृष्टि करूं, क्योंकि दृष्टि करने वाले सिद्ध भगवान मेरे सामने आदर्श तुम्ही मेरे अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। एक कड़ी मेरे साथ बोलिएगा, रागादि रहित उपयोग ज्ञायक प्रतिभासी हो शाश्वत स्वाश्रित सुख हो शुद्धात्म विलासी हो हे स्वयं सिद्ध भगवान तुम साध्य बनो मेरे अशरी स्वरूप देखो, शुद्ध के स्वरूप को भाव। अंतिम बात, चिंता न करो, चिंतन न करो। चिंता अर्थ ध्यान है, चिंतन धर्म ध्यान है। स्वरूप और स्वभाव का संचेतन करो। एक बार दोहराएंगे आप, चिंता न करो, चिंतन न करो, स्वरूप का संचेतन करो। ये मार्ग चिंता का नहीं है, मात्र चिंतन का नहीं है, ये केवल और केवल बोलिए स्वरूप के संचेतन का है। स्वरूप का संचेतन अर्थात सिद्ध भक्ति, स्वरूप का संचेतन अर्थात शुद्ध भक्ति। ऐसी भक्ति हम आप सभी के हृदय में हमेशा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ विराम लेते हैं। ओम नमः।